नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीवनी सीतल टोंग से संजीवन गर्भ संस्कार के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारा भारत देश संस्कृति की धरोहर है। हमें हमारे पुराणों से संस्कृति अनमोल ऐसी मिली हुई है, इसीलिए हमारे देश में अलग अलग त्यौहार हम मनाते हैं, जिनमें एक महत्वपूर्ण त्यौहार है नवरात्रि का। शास्त्रों के अनुसार एक वर्ष में 4 नवरात्रि होती है। पहली नवरात्रि वर्ष के प्रथम मास यानी चैत्र मास में, जिसे वसंत नवरात्रि भी कहा जाता है। दूसरी नवरात्रि चौथे माह यानी आषाढ़ में होती है। तीसरी नवरात्रि अश्विन मास में, जिसे हम प्रमुख नवरात्रि शारदेय नवरात्रि भी इसे हम कहते हैं। और चौथी नवरात्रि 11वें मास में अर्थात माघ महीने में मनाई जाती है। आषाढ़ और माघ मास की नवरात्रि, जो गुप्त नवरात्रि जिसे कहते हैं, इसमें शिव और शक्ति की उपासना की जाती है। जबकि चैत्र और अश्विन माह की नवरात्रि सार्वजनिक रूप में माँ दुर्गा की भक्ति करके मनाई जाती है। गर्भवती माँ से अपना गर्भस्थ शिशु शरीर और मन से जुड़ा होता है, इसीलिए माँ मन चाहे संस्कार अपने गर्भस्थ शिशु को दे सकती है। इसीलिए इस चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व पर माँ दुर्गा के 9 रूपों के दर्शन अपने गर्भस्थ शिशु को आपको कराने हैं। मेरे साथ बने रहिए 9 दिन। हर दिन हम माता के 9 विविध रूपों के गुणों का ध्यान करेंगे और अपने गर्भस्थ शिशु को तेजस्वी, ओजस्वी, सद्गुणों से परिपूर्ण बनाएंगे। चैत्र नवरात्रि वह समय है जब दोनों ऋतु का मिलन होता है। इस संधिकाल में ब्रह्मांड से अद्वितीय शक्तियाँ ऊर्जा रूप में हम तक पहुँचती है। चैत्र नवरात्रि चैत्र शुक्ल पक्ष में प्रारंभ होती है और रामनवमी को इसका समापन होता है। हम नवरात्रि में माँ शक्ति के 9 रूपों की उपासना करेंगे। आपको यथाशक्ति माता की पूजा पाठ करनी है। और एक महत्वपूर्ण बात, आपको 9 दिन का उपवास या व्रत नहीं करना है। गर्भावस्था ही एक सर्वोत्तम व्रत आप ऑलरेडी कर रही है, तो इस नवरात्रि में आपको भक्ति भाव से माता की उपासना करनी है। यदि पॉसिबल है तो दुर्गा सप्तशती का पाठ भी आपको करना है रोज 2 बार। और रामायण के अनुसार भगवान श्री राम जी ने माँ दुर्गा की उपासना चैत्र के महीने में रावण का वध करके विजय श्री का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया था। इसी कारणवश चैत्र नवरात्रि मनाई जाती है। तो 9 दिन माता भगवती की उपासना कर हमें गर्भस्थ शिशु को तेजस्वी, सद्गुणों से परिपूर्ण बनाना है। और इसीलिए आप जुड़े रहिए संजीवन गर्भ संस्कार के संग। मैं नवरात्रि के 9 दिन आपको सुबह 6 बजे माँ के अलग अलग रूपों के दर्शन कराने वाला वीडियो की लिंक शेयर करूंगी संजीवन गर्भ संस्कार के कम्युनिटी सेक्शन में, जिसे आपको देखना है, सुनना है और अपने गर्भस्थ शिशु को भी सुनाना है। यह वीडियो आप दिन में 2 बार देख सकती है, सुबह और शाम को भगवान के सामने दिया लगाते समय। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माता शैलपुत्री की पूजा करने से व्यक्ति पर माँ का आशीष बना रहता है। नवरात्रि का दूसरा दिन होता है माँ ब्रह्मचारिणी का। माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से व्यक्ति में तप, संयम तथा सदाचार और त्याग की भावना जागृत होती है। नवरात्रि का तीसरा दिन है माँ चंद्रघंटा का। माँ चंद्रघंटा की पूजन से वाणी मधुर होती है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। मान्यता है माँ कुष्मांडा के पूजन से शारीरिक विकार दूर होते हैं, यश और आयु में वृद्धि होती है। नवरात्रि का पांचवा दिन होता है माँ स्कंद माता का। माँ स्कंद माता की पूजा से पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। छठा दिन है माँ कात्यायनी का। इनकी पूजा से शत्रु निर्बल होता है और दुष्टों का नाश भी होता है। सातवां दिन है माँ कालरात्रि का। मान्यता है कि कालरात्रि की पूजा करने से व्यक्ति को उसके सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। नवरात्रि का आठवां दिन है माँ महागौरी की पूजा का। महागौरी की पूजा इस दिन की जाती है।
माता की उपासना से सुखों की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के नौवें दिन सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इनकी पूजा से नव निधियों की प्राप्ति होती है। तो चलिए रेडी रहिए माता के भक्ति में लीन रहने के लिए और अपने संतान को ओजस्वी तेजस्वी बुद्धिमान बनाने के लिए। तो नवरात्रि के नौ दिन हर रोज सुबह 6 बजे संजीवन गर्भ संस्कार के कम्युनिटी सेक्शन में आपको लिंक पर क्लिक करना है और उस दिन की देवी माँ की पूजा तथा गुणों का विशेष लाभ अपने गर्भस्थ शिशु तक पहुंचाना है। इसी के साथ साथ आप आपके गर्भस्थ शिशु को अलग अलग माध्यम से सुंदर सुदृढ़ तेजस्वी और सद्गुणों से परिपूर्ण बना सकती है। आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम हमारे बेबी को शरीर और मन दोनों से तंदुरुस्त बना सकते हैं गर्भावस्था में। और इसीलिए आप ज्वाइन कर सकती है संजीवन गर्भ संस्कार का ऑनलाइन वर्कशॉप। इसके लिए आपको डाउनलोड करना है संजीवन गर्भ संस्कार ऐप, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। वहां पे जाके डाउनलोड कीजिए संजीवन गर्भ संस्कार ऐप और बनिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मॉम ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेबी। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एंजॉय कीजिए प्रेगनेंसी का हर क्षण संजीवन गर्भ संस्कार के साथ। जय माता दी।